फाइनल हो गया कि चलो आज मैं कहूँगी चलो, इतना दिन से वो रिक्वेस्ट कर रहा है मम्मी चलो, और उसको रहता है ना कि ज़्यादा कहीं जाता नहीं है, अगर जाता भी है कहीं भी उसको घूमना फिरना होता ना तो उसको मम्मी के साथ ही जाना होता है, तो कई दिनों से बोल रहा था कि चलो आज चलती हूँ, इतने दिन से वो बोल रहा है मम्मी चलो, तो मैं कहूँ चलो आज मैं चलती हूँ। तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल, और कौन कौन जा रहा है फ्रेंड्स, तो सिर्फ मैं और निखिल जा रहे हैं, तो हम माँ बेटा जा रहे हैं। क्या है फ्रेंड्स, सोनाली मना कर रही, करे मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही लोग जाओ, क्योंकि वो जो है ना कि दो तीन दिन गई थी स्विमिंग पूल, पूल पार्टी भी थी उसकी, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी गई थी स्विमिंग पूल, करे कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम और भैया चले जाओ। रूमा को भी पूछा तो रूमा भी मना कर रही, करे नहीं दीदी मुझे नहीं जाना है, तो निखिल बहुत ज़्यादा कह रहा है, तो फिर मैं कही अच्छा चलो चलते हैं। बस अभी शाम हो गई है, 5 बज रहा है, तब जाके अभी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इतनी भयंकर धूप होती है ना कि दिन में निकलने ही लायक नहीं रहता है। तो बस अभी शाम हो गई है और थोड़ा धूप ना थोड़ा कम लगती है इतने टाइम, 5 बजे से ना थोड़ा कम धूप लगती है, तो मैं कही चलो अब चलेंगे, तो जो है कि आराम से 1 घंटे में अपना स्विमिंग पूल में इंजॉय करके नहा वहा के आ जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स चलिए, मैंने अपना यही वाला फ्रॉक पहन लिया है क्योंकि गर्मी है ना, तो यही डाल लिया है मैंने, और कपड़े अलग से जो है कि ले लिया है स्विमिंग पूल में पहन के नहाने के लिए, और बस मैं भी रेडी हो गई हूँ फ्रेंड्स। तो बस चलिए चलते हैं आज स्विमिंग पूल, मम्मी और बेटा दोनों इंजॉय करके आते हैं ना। चलिए गाइस, सो गाइस स्विमिंग पूल के लिए हम लोग निकले रहे थे, तब तक देखिए ना ये सुना ना पानी पूरी लेकर आ गई है, तो गले में ना डेली पानी पूरी वाले भैया आते हैं पानी पूरी बेचने के लिए, तो सोना ले ली है, तो ये लोग खाए हैं, तो बस ये मेरे लिए रखा है, तो बस मेरा मन कर रहा है ना बस थोड़ा सा खा के फिर चलो, नहीं तो मेरे फिर दिमाग में रहेगा ना पानी पूरी मैंने खाया नहीं, तो बस चलिए बस एक दो खा लेती हूँ फिर आके मैं आराम से खाऊंगी, नहीं तो फिर मेरा दिमाग ना लगेगा नहीं। और पानी पूरी तो बहुत ज्यादा सभी लोगों का, मुझे लगता है सभी महिलाओं लड़कियों का तो बहुत ज्यादा फेवरेट होता है ना, सिर्फ दो खा लेती हूँ मैं फिर चलते हैं। पानी पूरी वाले भैया ना गले में डेली आते हैं, पानी पूरी टिक्की फीस चाट सब कुछ लेकर आते हैं, अभी घंटी बजा ही रहे हैं वो, उनको पता होता है ना गले में सभी लोग कौन कौन खाता है, मुझे लगता है सभी लोग गले में खाते हैं। उठ जा, फटाफट से खाते हैं फिर निकलते हैं। गर्मी लग रही है गाइस, चलिए वहां पे आगे बैठ के मैं खाती हूँ, भले ही दो ही खाऊंगी लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे, किचन में ना हालत खराब हो जा रही है एकदम से। चलिए वहां पे खाते हैं आगे हॉल में। खाना तो आज हम ले खा ले, पानी में तो ऐसे डाल सुनो, खाना तुम्हें मौसी खाई है, मजा ही आ जाता है पानी पूरी खाकर। सो गाइस यहाँ पे देखिए, तो बस हम माँ बेटे दोनों निकल गए स्विमिंग पूल जाने के लिए, और फ्रेंड जब से मेरी तबीयत खराब हुई है ना तो ये सब तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया, कहीं जाने का ना मन ही नहीं होता है, और हस्बैंड घर पे रहते हैं ना तो वो स्कूटी से फिर कहीं लेकर जाते हैं तभी मैं जाती हूँ, ऐसे जब भी उनकी छुट्टी रहती तो जरूर से मुझे कहीं ना कहीं जरूर घुमाते ही हैं, तो क्या होता है जब से तबीयत खराब हुई ना तब से बिल्कुल ही मन नहीं होता है, लेकिन हाँ हस्बैंड और बच्चे ना हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं, हमेशा कहेंगे कि तुम ठीक हो जाओगी,
तो मतलब इतना मतलब होता ना इन लोगों का कि मतलब ये रहता है कि मैं हमेशा खुश रहूं, मतलब घर में बैठ के बोर ना हो। तो कहीं ना कहीं बच्चों का भी मतलब मन होता है कि चलो मम्मी को लेकर चलते हैं, थोड़ा मम्मी को अच्छा लगेगा। या हस्बैंड है तो वो भी हमेशा मुझे ना कहीं लेकर जाते हैं घुमाने के लिए, तो अच्छा भी लगता है। मतलब घर में पड़े रहो, और दर्द कभी कभी मेरा आर्थराइटिस का होता है गाइस ना, तो बड़ा ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, इस तरह से जैसे ये लोग कहते हैं, इतना मेरा मतलब ना ख्याल रखते हैं ना, तो बड़ा ज़्यादा अच्छा सा लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए बेटा भी मुझे आज लेकर आ गया, कह रहा मम्मी चलो थोड़ा सा इंजॉय करके आएंगे। तो बस उसको मैं बोल रही थी बाबू तुम नहा लो, मैं यहीं पर बैठी थी, लेकिन वो देखो ज़बरदस्ती मुझे बुला रहा कर, नहीं मम्मी आओ आओ थोड़ा सा ही नहा लो, आ जाओ, सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं कि अच्छा चलो ठीक है, इतना कह रहा है। तो फिर मैं अपना जो है कि गई हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो अपना कपड़े वगैरह चेंज करके आई हूँ, बैठी हूँ। फिर जो है कि अभी थोड़ा सा हम लोग भी चलिए इंजॉय करते हैं, और जो है कि आप लोग भी देख के इंजॉय करिए। और फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, तो आप लोगों के भी आसपास अगर इस तरह स्विमिंग पूल वगैरह है ना, तो ज़रूर से जाइए, इंजॉय करिए, और अपने पूरी फैमिली को लेकर जाइए, स्पेशली अपने घर में सभी महिलाओं को। तो देखेंगे ना आपके साथ साथ उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस चलिए इंजॉय करते हैं। गर्मी में ठंडी का एहसास, हाँ अच्छा है, पानी भी नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, अच्छा है पानी ना। इतना ज़्यादा सभी लोग तैर रहे हैं, हमें तो तैरना ही नहीं आता है ना। मेरा अलग तरीके का तैरना, उड़े जा उड़े जा। फिर से करते हैं, जिसको तैरना ना आता ना, बस ऐसे पकड़ लो और यहाँ पे पैर मारते रहो, तैरना आ जाएगा अपने आप सीखेगा। साहिब आलम गाइस, तो हमारा स्विमिंग पूल में नहाना हो गया और बस अब निकल रहे हैं घर के लिए, और शाम हो गई है ना, तो बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मन कर रहा है यहीं पे ना बस खड़े होकर देखते रहो, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ हरी हरी सब्जियाँ बोई हुई हैं, तो बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के। ढेर सारी मकई, भिंडी, तोरी, करेला सब बोया हुआ है, खेत है ना आसपास। बस चलते हैं आगे, यहाँ पे थोड़ी सब्जियाँ लगा रखे हैं लोग, तो सोच रहे हैं थोड़ी एक दो सब्जियाँ लेते हैं और फिर रिक्शा पकड़ते हैं घर चलते हैं। इसको तो निकलने का एकदम मन ही नहीं हो रहा था, कह रहे मम्मी पैसे दिए पूरा वसूल कर लेते हैं। ये बार बार पानी फेंके जा रहा है, तो फिर वो देख लिए भैया, कह रहे हैं निकलो टाइम हो गया, फिर भी नहीं निकलता, टाइम तो कब का हो गया था, टाइम हो गया था, फिर भी वो निकलने के लिए नहीं कह रहे थे क्योंकि सभी लोग नहा ही रहे थे, शाम हो ही गई थी ना। लेकिन मैं कही चलो बाबू अंधेरा ही हो जाएगा, फिर चलिए गाइस थोड़ा सब्जियां लेते हैं फिर घर चलती हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस थोड़ी सी ना, यहाँ पे रोड के किनारे पे ना सब्जियां हैं, ये लोबिया कैसे है, ले लो एक पाव ले लेती हूँ, एक पाव दे दो बाबू, अच्छी है बाबू ताजी है लग रही है, एक पाव दे दो, पनीर दियो, सारी सब्जियां लगा रखी, भिंडी कैसे है, भिंडी कैसे थी, आधा किलो कर दीजिए, नरम है ना, आधा किलो कर दीजिए, एक गड्डी धनिया एक गड्डी पुदीना दोनों कर दीजिए।
सो गाइस यहाँ पे देखिए, तो बस हम लोग घर पर आ गए हैं और जैसे घर पे आई हूँ ना, तो बस मैं दोबारा से जो है कि अपना हेयर वॉश करके अच्छे से नहा ली हूँ और निखिल को भी बोल दिया कि बाबू तुम भी नहा लो। तो क्या होता है वहाँ से नहा के आओ स्विमिंग पूल से ना, तो बड़ा ही ना मुझे अजीब सा लगता है, मतलब इतने लोग नहाते हैं ना तो फिर मेरा मन नहीं मानता है। मतलब घर पर आई हूँ तो मैं दोबारा से अपना अच्छे से नहा ली हूँ और बस यहाँ पे देखे तो कॉम वगैरह करके बैठ गई हूँ। सुना देखे तो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई है, तो चाय पीऊँगी फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर बैठूंगी। और सब्जियाँ वगैरह तो मैं लेकर आई थी वहाँ पे किनारे पे ना, मतलब सब्जियां लगाते हैं, मुझे लगता है खेत है ना आसपास, तो बहुत सारी ना फ्रेश हरी सब्जियां ना खेतों में से ही तोड़ के लेकर आते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जियां एकदम ताजी ताजी दिख रही थी, तो मैंने एक दो सब्जियां भी ले लिया था। तो देखती हूँ बच्चों से कि क्या बनेगा, पूछूंगी डिनर में, तो जो बोलेंगे तो डिनर में मैं बनाऊंगी। फिलहाल अभी थोड़ा चाय पी के थोड़ी देर बैठूंगी। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।